हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन को। आर एस अग्रवाल बुक से 13A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। सो प्लीज़ गाइस, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर हम लोग टोटल क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 16 to 25 क्वेश्चन। और इससे पहले भी मैंने अपने पार्ट 3, 2 और 1 अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने लाइव सेशन में पार्टनरशिप के क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ गाइस आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एंड गाइस, जो भी फ्रेंड्स हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, वो हमारे चैनल पे बहुत ही ईजी शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। इसलिए गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंस। सो गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़ नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 13A, क्वेश्चन नंबर 16। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं पार्ट 1, 2, 3 में, जिसमें से मैंने लाइव सेशन किए थे। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो हमारे वीडियो में जाइए, वहाँ पे पार्ट में वीडियोज़ हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। आज के इस पार्ट 4 में हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए तथा बी ने ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7:2 एंड 4:3, 6:5 के अनुपात में धन लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपने भाग से 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये हो, तो इसमें से बी का पार्ट क्या है, हमें ये बताना है। अब जैसा कि गाइज, हम अपने क्वेश्चन को क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है हमारा पार्टनरशिप का। और साथ ही साथ हम क्या यूज़ कर देते हैं, यूनिटरी मेथड यूज़ कर देते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करके सीखेंगे और चीज़ों को और ईजिली समझेंगे। तो इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ों को मैं ईजिली अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज, नाउ दिस इज अवर ए बी एंड सी। अब इनमें से इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 7:2 एंड 4:3 एंड देन 6:5, ये इनका है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इनका। एंड देन गाइज, जो टेक्निकल वर्ल्ड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग से 50% की वृद्धि कर दी। अब देखिए, ए का पार्ट कितना है, 7:2, तो यहाँ से इसमें क्या करा है कि 50% पार्ट की इन्वेस्ट कर दी है 4 महीने। मतलब क्या है कि ए का जो पैसा है वो 4 महीने तक तो 7:2 के रेशियो में था ही था ही। तो मतलब क्या है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो देखिए गाइज, 7 / 2 / 4 करेंगे तो ये हमारा 2 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या कह रहा है कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग से 50% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से हम ये पार्ट निकालें, 50% की जो वृद्धि कर दी, तो 7/2 एंड देन प्लस 7/2, और इसके बाद ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 50% ना, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, और इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 8 करना है, क्योंकि क्या है कि जो पैसा लगा है 50% की जो वृद्धि, वो 8 महीने के लिए लगी रही ना, क्योंकि 4 महीने तो उसका पैसा 2:7 के रेशियो में था, तो वो हमने 14 लिख दिया। अब देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करते तो 50 से ये 2 टाइम कट जाएगा। तो गाइज देखिए, यहाँ से 7:2 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, 7 और ये 4 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, 7:2 प्लस 7:4 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि हमें पता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो टाइम 8 है और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50% की वृद्धि कर रहा है ना, तो हमने ये निकाला। अब देखिए,
इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7:2 प्लस 7:4 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 8। एंड गाइस देखिए 8 से 8 कट गया हमारा, तो ये 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42, तो ये हमारा 42 हो गया। ये चीज़ मैंने सीखा बताने के लिए आपको, ये इतनी कैलकुलेशन की है, आई नो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मैं अगर ये डायरेक्ट टर्म लिख देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस ये था ए का, अब बी के लिए आते हैं। तो बी का क्या कह रहा है, अब बी के लिए तो देखिए कोई टर्म कंडीशन तो दे नहीं रखी है क्योंकि जो टर्म कंडीशन थी वो ए के लिए थी। तो अब देखिए जो बी के लिए निकालना है वो कैसे निकालना है, देखिए 4/3 और मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि ए का पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है वर्ष के अंत में, मतलब क्या है 1 ईयर। तो यहाँ से ये हमारा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा 16 आ गया। अब वही चीज़ हम लोग सी के लिए भी करेंगे, तो सी के लिए देखिए क्या है 6/5 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, तो गाइस ये तो सिंपली कट नहीं रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72/5 हो जाएगा, तो ये रेशियो 72/5। आई होप कि ये रेशियो आपको समझ में आया होगा कि हमने चीज़ें कैसे निकाली हैं। अब इसके आगे चलते हैं, चीज़ों को और थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो गाइस देखिए, सो गाइस अब देखिए ये 14 और 42 हमारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, एंड देन ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, एंड देन 72। तो अब देखिए, और देखिए ये 5 है ना, ये 5 को हम 56 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 280, एंड 80 एंड देन 72, ये हमारा रेशियो आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके अब देखिए इसको हम लोग फर्दर ऐड करेंगे, उससे पहले हम लोग इसको कट कर लेते हैं जो वैल्यू कट रही है। तो गाइस देखिए यहाँ से इसको अगर हम लोग अगर 8 से डिवाइड करें तो और भी कॉमन पार्ट निकल रहा, तो देखिए 280 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35:2, और ये हमारा 10 हो जाएगा, एन इज टू 9, तो ये आ गया हमारा फाइनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया। अब हम यहाँ से यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे और यूनिटी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आएंगे। तो देखिए टोटल हम लोग कर लेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा टोटल करने पे, ये हमारा हो जाएगा 54, और ये 54 यूनिट जो हमें दे रखा है कितना 21,600, 21,600, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल लाभ, तो मतलब टोटल यूनिट कितना है 54, जो प्रॉफिट हमें दे रहा है 21,600, 44 यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 21,600/54, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कट के हमारा 400 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो इसमें बी का पार्ट कितना है, तो बी का कितना है यहाँ पे 10 दे रखा है ना, तो बस बी का यूनिट हमें 10 दे रखा है, हमें 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 10/400 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 400 रुपीज़, सॉरी 4,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। आई नो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, बस जो ये लैंग्वेज दे थी ना कि 4 महीने बाद ए ने अपने भाग से 50% की वृद्धि कर दी, बस इस लैंग्वेज को आपने अगर समझ लिया है जो मैंने समझाया था, बस कुछ क्वेश्चन नहीं था। और फाइनली देखिए मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया और अपने आंसर पे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वही चीज़ किया है। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 50,000, 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली और बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, ठीक है। इस समय सी कुल 17,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया, तो वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में सी का पार्ट कितना है
हमें ये बताना है। फिर गाइज ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के ही जैसा है, बस थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल ऐड हो गई हैं। वो चीज़ें देखते हैं क्या है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 50,000, 45,000 और 70,000। तो देखिए ये हो गया 50,000, 45,000 एंड देन 70,000। तो यहाँ से ये तीन जीरो कट गए, तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना बचा, 50, 45 और 70। ओके ये तो आ गया हमारा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अभी फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। मतलब यहाँ से गाइज ये समझिए कि 4 माह बाद लिया है ना, तो मतलब क्या है, उसका जो 50 पैसा है, ये 50 रुपए है, कम से कम ये तो 4 महीने लगा ही लगा था ना। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बस कैपिटल कितना है 50 है और टाइम कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200। ओके एंड देन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। मतलब क्या है, जो आधी पूंजी इसकी 50 का कितना हो जाएगा, 25। अब ये 25 कितने महीने के लिए लगा रहा होगा, 8 महीने के लिए लगा होगा, क्योंकि 8 4 12 होता है ना। तो 4 महीने तो उसका 50 रुपये लगा रहा, लेकिन फिर क्या कर रहा है, 50% वो वापस ले लेता है, मतलब आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो कितना हो गया, 25। तो ये 25 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ये हमारा ए का हो गया। एंड देन बी की कंडीशन क्या है, तथा बी ने उसी समय अपनी पूंजी का 1/3, मतलब क्या है, 1/3। अब ये निकाल लेते हैं, वापस ले ली तो देखिए कितना है, 45 है और इसका हमें 1/3 निकालना है। तो गाइस ये हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 45 माइनस 15 करेंगे, वापस ले रहा ना, 1/3 क्या है, पूंजी वापस ले रहा है, तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30। तो मतलब जो 4 महीने बाद है ना, क्योंकि 45 रुपये जो है, ये 4 महीने तो एटलीस्ट लगा ही लगा है। सो गाइस देखिए 45 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 से करेंगे, तो ये अमाउंट यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और फिर वही कंडीशन है, क्या है, कितना, 1/3 वापस ले लेता है, तो वो हमने कितना निकाला है, 30 निकाला है। तो 30 जो पैसा लगा है वो कितने, 8 मंथ के लिए लगा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24, तो ये हमारा हो जाएगा 240। एंड देन अब बी क्या है, बी कह रहा है कि इसी समय, मतलब क्या है कि जब ये 4 महीने बाद ये जब कार्य हो गया पैसा वापस लेने का, 1/3 बी ले रहा है और आधी पूंजी ए ले रहा है, उसके बाद क्या सी आता है, तो सी का पैसा कितने मंथ लगा रहा, 8 मंथ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 × 8 = 56, तो मतलब क्या है, 560। अब इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 200 200 कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 400, 180 प्लस 240 हमारा कितना आ जाएगा, 420 एंड ये 560। तो देखिए 0 से 0 ये कट कर सकते हैं, और फर्दर ये क्या बचा, 40 42 और 56 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि वैल्यू कॉमन हो रही है, निकल रही है। सो गाइस यहाँ से ये हमारा अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एंड दिस इज 21 एंड 28। और ये रेशियो को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना है, 69। मतलब 69 यूनिट हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ये इक्विवेलेंट दे रखा है हमें 41,400। तो ये जो यूनिट आया है 69, ये हमें इक्विवेलेंट दे रखा है 41,400 के। ओके एंड देन यहाँ से हम क्या, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो ये 1 यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी, 41,400 डिवाइड बाई 69, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो मतलब क्या, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 600 रुपये, और हमसे क्या पूछ रहा है, सी का पार्ट कितना है, तो सी का कितना यूनिट है, सी का देखिए हमारा यहाँ पे 28 यूनिट है ना, ये सी का है, ये बी का है और ये ए का है। तो बस सी का यूनिट हमें निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे।
तो यहाँ से देखिए सी हमारा कितना है, 28 मल्टीप्लाई बाई 600 कर देंगे, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 16,800। ओके, अब इसी तरह आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया तो 20 ए की भी निकाल सकते हैं और बी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का यूनिट है 20 और सॉरी ए का यूनिट है 20 और बी का यूनिट है 21। ओके, और बाकी यही जो चीज़ें यहाँ से जो मुझे बतानी थी यही इंपॉर्टेंट है जो आप समझ गए होंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मे भी शायद आप लोगों को समझ में ना आया होगा इस टाइप को, लेकिन इसको भी हम लोग इजीली अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, साझे में एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 46,000 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग कितना है ये हमें बताना है। ओके, अब देखिए गाइस इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो ये हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल टोटल हम लोग मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 6 लाख है। एंड देन टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं 6 मंथ, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। एंड देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी का, वो हमारा हो जाएगा 1:2:3 और इनका टाइम का रेशियो भी हो जाएगा हमारा 1:2:6 और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 1:4:18, क्योंकि ये क्या है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमें पता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वेलेंट टू किसके होता है, इनके मल्टीपल का, टाइम इज टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना आ गया है 1:4:18 ए बी सी का आ गया है, और देखिए ये टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे तो 23 यूनिट हो जाएगी। सो गाइस बस ये 23 जो यूनिट आई है ये हमें इक्वलेंट दे रखा है 46,000 के, तो 46,000। एंड देन वन यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 46,000 डिवाइड बाय 23, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2,000 आ गया। और हमसे पूछ रहा है बी का पार्ट कितना है। सो गाइस यहाँ से देखिए बी का हमसे पूछा और बी का यूनिट कितना है 4, तो बस 4 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमने 1 यूनिट की वैल्यू 2000 फाइंड कर रखी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2000 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 रुपीज। सो दिस इज नाउ अवर आंसर। नाउ गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए तथा बी ने साझेदारों में एक व्यापार पर 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई और फिर क्या कह रहा है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो 10 माह बाद कुल 7,600 रुपये का लाभ में से ए का भाग कितना है, तो हमें बताना है ए का शेयर कितना है। अब गाइज ये भी क्वेश्चन ईजी है, बस जो ये रेशियो में जो दे रखा है फ्रैक्शन में, ये थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत कर रहा होगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं लग पाया, कुछ नहीं है सिंपल है, चीज़ों को अभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए नाउ दिस इज अवर ए एंड बी और इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 4:5। ओके ये क्वेश्चन में दे रखा है ना 4:5। अब कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कंडीशन यहाँ से, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, ठीक है, मतलब क्या विड्रॉल कर लिया, तो 3 माह बाद किया है ना, तो 3 माह तक तो पैसा इनका इतना ही लगा होगा ना, तो मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे और ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 4×3=12 प्लस। अब कंडीशन वही पढ़ते हैं कि 3 माह बाद, तो 3 माह बाद इन्होंने कितना वापस लिया है 1/4 भाग, मतलब क्या है ये 4, ये कैपिटल का है ना 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो ये 4 4 से कट जाएगा तो 1, तो
तो मतलब क्या हुआ कि फोर में से उन्होंने एक पार्ट वापस ले लिया, तो कितना अमाउंट बचा, थ्री थ्री बचा। और वो कितने महीने के लिए लगा रहा, वो लगा रहा 7 महीने के लिए। अब ये 7 महीने हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 माह बाद, 1 साल बाद नहीं बोला, वर्ष के अंत में नहीं बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोला है 10 माह बाद, तो इसलिए ये 7 3 10 मंथ हो गया ना। बस अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा होगा 7 त्रिक 21, ये हमारा ए का। ठीक है, अब बी का आते हैं, तो बी का भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 5, और बी कितना वापस ले रहा है, 1/5 भाग, तो मतलब क्या है, 3 माह बाद ले रहा है, तो मतलब 3 महीने तक तो इनका पैसा लगा ही लगा है ना 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, 5 3 15, और प्लस अब 7 महीना बचाना, तो 7 महीने को हम लोग इनका जो पार्ट वापस हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 × 1/5, तो 5 से 5 कटा, तो 1 पार्ट वो वापस ले रहा, तो 5 − 1 कितना हुआ, 4, 4 जो पार्ट है वो 7 महीने तक लगा रहा, तो कितना हो गया 28। ये चीज़ें समझ में आई, ये हम कैसे कर रहे हैं, हमें पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस ये ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड हमारा हो जाएगा 33, एंड देन ये हमारा आ जाएगा रेशियो में ये हमारा हो जाएगा 43। अब इनका ऐड कर लेंगे तो ये एडिशन कितना आ जाएगा, 76 है ना, ये यूनिट हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, तो ये ऐड होने के बाद 76 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने यूनिटरी मेथड लगाएंगे और आंसर पे आ जाएंगे। तो फिर क्या कह रहा है, 10 माह बाद उनको कुल लाभ कितना हुआ, 7600, और ये टोटल यूनिट है, ये इन्हीं का प्रॉफिट है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना है, 76 यूनिट किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 7600 के। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7600 / 76, तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये हमारा 100 आ गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और हमसे पूछ रहा है क्या है, ए का भाग कितना है, तो ए का देखिए कितना है, 33 है, तो 33 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3300 आंसर, 1000, ये हमारा 100 हो जाएगा, 1000 नहीं होगा, ठीक है, 3300 प्रॉफिट हो गया ए का। अगर बी का पूछ ले तो बी का कितना है, 43, तो 43 को हम लोग मल्टीप्लाई बाय किसे कर देंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 4300, तो ये बी का आ जाएगा। तो फाइनली हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का भाग कितना है, तो ए का भाग हमारा आंसर आ गया है 3300 रुपीज़। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, और 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, यदि अंत में, अब ये अंत हो गया ना, तो मतलब क्या है, 1 ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे, अंत में मिले लाभ भागों का अनुपात कितना है, 4:5, तो बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा, हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये मिस्टर ए और बी, इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 लगा लेते हैं, तो रेशियो तो वही रहा ना, रेशियो में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 0 हम लोग लगाते, क्योंकि 0 0 कट के हमारा 6:5 हो जाएगा, रेशियो वही है, मतलब ये एक हमारा क्या है, जुगाड़ मेंटल थ्योरी, हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। एंड गाइस क्वेश्चन का कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, कि 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 महीने तक तो ए का पैसा लगा ही लगा ना, तो मतलब क्या है, देखिए यहाँ से हम लोग इसको 7 लिख देते हैं, ये क्या है, 7 मंथ है, तो मतलब ए का जो पैसा है वो 7 मंथ तो लगा ही लगा है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 420। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा है कि वो अपना सारा पैसा निकाल लेता है, मतलब क्या, कुछ नहीं पैसा है, 0 हो गया। और देखिए फिर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो दे रखा है यहाँ पे, क्या है, इनके भागों का अनुपात, लाभ के भागों का अनुपात कितना है, 4:5
फाइव। तो देखिए हमें पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, तो ये हमें दे रखा है और ये हम निकाल रहे हैं, टाइम भी है। तो देखिए यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, अगर यहाँ से ये लाइन हटा दें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना है 4:5, और ये हमने कितना निकाला है 420। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, क्या है, बी ने अपना आधी पूंजी ले ली, मतलब क्या है कि ये 7 माह बाद ही है, तो मतलब बी का पैसा 7 मंथ तो लगा ही लगा ना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 350, क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है और ये एक जीरो, 350 हो गया। एंड प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे फिर क्या कह रहा है कि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता, मतलब 50 है इसका आधा कितना हो जाएगा 25। अब ये जो 25 है ना, तो ये अब क्या है, और ये 25 पूछ रहा है कि कितने मंथ तक लगा रहा व्यापार में। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। तो देखिए यहाँ से ये हमने 2500 निकाला है, मान लेते हैं एक्स समय तक पैसा लगा रहा, तो ये 25 जो है एक्स समय तक पैसा लगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना, तो वही चीज़ है कि ये 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 4:5। अब बस अब हम लोग यहाँ से चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हमें पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है, तो देखिए कैपिटल इनटू टाइम, तो कैपिटल कितना है 420, ओके, और 7 महीने के लिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है ऑलरेडी इसमें, और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा बी का 350 प्लस, और ये वाला 25 जो पैसा है, 25 रुपये है ना, 50 पैसा क्या वापस ले रहा है ना, तो 50 कितने महीने के लिए लेगा, एक्स महीने के लिए, तो ये 25x इक्वलेंट टू कितना रेशियो दे रखा है 4:5, तो ये 4:5। बस अब हमें यही सॉल्व करना है और अपने आंसर्स पे आ जाना है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 105 टाइम जाएगा। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 525 इक्वलेंट टू 350, यहाँ तो वैल्यू 1 है ना, तो यही वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और प्लस 25x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइस नाउ 25x इक्वलेंट टू यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो 525 माइनस 350, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, ओके। एंड नाउ अब हमारे पास कितना बचा 25x इक्वलेंट टू 175, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 175 डिवाइड बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो x का पैसा लगा 7 मंथ तक। सो गाइज नाउ दिस इज अवर आंसर, 7 मंथ इज अवर आंसर, ओके। आई नो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, बेसिक अगर आप नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, क्योंकि RS अग्रवाल में जो एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन दे रखे हैं क्वेश्चंस के, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मे भी आप लोगों को नहीं समझ में आते होंगे, इसीलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते हैं और किताब को बंद कर देते हैं। इसीलिए मेरा टारगेट है कि आप लोगों को चीज़ों को ईजिली समझा सकें, इसलिए गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाता हूँ, ओके, प्लीज़ बिकॉज योर सपोर्ट इज़ अवर कॉन्फिडेंस। नाउ गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 साझेदार हैं ए बी सी में से एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है, तीनों को मिलाने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए बी सी क्या होगा, ओके।
हमें यहाँ पे बताना है एबीसी का रेशियो क्या है। ठीक है, अब गाइज इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यहाँ से स्टेटमेंट कह रहा है ना कि ए का जो ए का भाग है वो 4 गुना है, मतलब क्या है कि ए 4 टाइम है, ये हमने ए लिख दिया। और रेशियो या बराबर, क्योंकि फाइनली क्या कह रहा है, बराबर है ना, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं रेशियो की जगह ना लिख के। तो ये बराबर हो गया बी के किसने 6 गुना और सी के कितने हैं 11 गुना। ये ए बी सी क्या है, सब बराबर हैं, जो इनका टाइम्स दे रखा है 4 टाइम ऑफ ए एंड 6 टाइम ऑफ बी एंड 11 टाइम ऑफ सी, तो सब क्या है, इक्वलेंट है। अब देखिए गाइस हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए बी का रेशियो। अभी अल्टीमेटली हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ 4a इक्वलेंट टू 6b। अब यहाँ से अगर आपको ए बी का रेशियो निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए बी नीचे आ जाएगा ना, और फिर ये 6 और ये कितना आ जाएगा, ये 4, ये नीचे आ जाएगा। तो ये ए का कितना आ गया 6 और बी का कितना आ गया 4, ये रेशियो आ गया ए बी का। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दे, 2 से कट कर दें, तो ये 2:3 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा रेशियो आया है वो 3:2 आया है। ये ए का 3 हो गया एंड बी का 2 हो गया, क्योंकि ये मैंने वैल्यू काट दी, क्योंकि वैल्यू कट रही थी, क्योंकि हमें रेशियो क्या सिंपली बनाना पड़ता है, इजी से इजी नंबर। एंड देन अब हम लोग निकालते हैं बी सी निकालते हैं। तो देखिए बी सी कैसे निकाले, सेम यही कॉन्सेप्ट है बी सी। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, तो 6b इक्वलेंट टू 11c है ना, तो b अपॉन सी हमारा कितना हो जाएगा 11/6। तो b और c का रेशियो कितना आ गया 11:6। तो फाइनली गाइस हमारे पास रेशियो जो मिल गए हैं वो क्या मिले हैं, a:b हमारे पास कितना है 3:2 और हमारे पास b:c कितना है 11:6। अब इन्हीं का हमें रेशियो निकालना है ए बी और सी, यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। तो गाइस अब देखिए इसको मैं रफ कर लेता हूँ। नाउ गाइस, सो गाइस देखिए हमें जब भी रेशियो निकालना होता है ए बी सी का, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये ए बी और इसी के नीचे बी और सी, यही वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ए का कितना है 3:2 और 11:6 है ना, यही है ना। तो बस अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए का आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 33 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बी का आ जाएगा 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह तो ये सी का आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है 33:22:12। तो ये हमारा आंसर आ गया 33:22:12, दिस इज नाउ आंसर। नाउ गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज अवर क्वेश्चन 22 फ्रॉम आदर्श अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 13A। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। गाइस यही स्टेटमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी है। एंड देन वर्ष के अंत में, मतलब क्या है 1 ईयर के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का पार्ट क्या है, ये हमें बताना है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ मेंटल थ्योरी लगानी पड़ेगी। वो क्या लगा लेना है कि टोटल जो लागत है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो हम लोग मान लेते हैं 90। एंड देन और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट ए बी सी ने किया है वो कितना 90 किया, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कह भी रहा है कि ए बी सी ने मिलकर क्या व्यापार आरंभ किया। देन अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर क्या करें कि ए पूरी लागत का, मतलब क्या 90 का 1/3 भाग निवेश करता है। तो गाइस देखिए ए का इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो ए क्या कह रहा है, पूरी लागत का, पूरी लागत कितना है 90,
तो ये 90 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 30 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, ए का इन्वेस्टमेंट आ गया है 30। अब यहाँ से हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, अगर ये इक्वेशन अगर मान लेते हैं 1 तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ए की, तो हम बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी और सी का इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हम 30 जो ए आया है, ए का कितना इन्वेस्टमेंट 30 है ना, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट में पुट कर देते हैं। तो ये 30 प्लस बी प्लस सी इक्वलेंट टू 90, तो यहाँ से बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2। ये इक्वेशन आपको समझ में आई ना कि मैंने यहाँ पे ये कैसे कर लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग आए हैं डायरेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि तथा बी का निवेश, जो बी का इन्वेस्टमेंट वो क्या है, ए और सी के निवेश के बराबर है। तो ये हम लोग अगर सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, ये कंडीशन है, कह रहा है कि बी का इन्वेस्टमेंट जो है ए प्लस सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 30 रुपये, है ना, 30 रुपये भी मान सकते हैं या 30 यूनिट। तो बी प्लस 30 प्लस सी, तो यहाँ से देखिए बी माइनस सी हमारा कितना आ गया, 30। ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, ये हमारी थर्ड हो गई, है ना, ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन क्या है, एक और दो, सॉरी, ये जो इक्वेशन दो और तीन है ना, इनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, तो गाइस देखिए ये हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये हमारा कितना है, बी प्लस सी इक्वलन टू 60, इक्वेशन नंबर 2 है ना, 60, और बी माइनस सी इक्वलन टू कितना है, 30। यहाँ पे हम लोग 2 प्लस 3 इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2b इक्वलन टू ये हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45। सो फाइनली b का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 45। अब हम यहाँ से c का भी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, a का हमने कितना निकाला, 30 निकाला है, b का हमने कितना निकाला है, b का हमने 45 निकाला है, और c का इन्वेस्टमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो c, ये बी का जो वैल्यू है हम 2 में रख देते हैं, इस वैल्यू पे रख देते हैं, तो बी कितना है, 45 माइनस सी इक्वलेंट टू 30। तो यहाँ से सी आ जाएगा हमारा 45 माइनस 30, ये माइनस 30, तो कितना आ गया, सी का इन्वेस्टमेंट आ गया 15। तो फाइनली ये सी का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया है, ए का कितना है 30, बी का कितना है 45, एंड सी का कितना है 15। अब ये हम तीनों यूनिट ऐड कर लेंगे। सो देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मैंने यहाँ पे क्या किया है। सो गाइस यहाँ से ए और बी और सी के जो रेशियो हैं, वाई हैं इन्वेस्टमेंट, उनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए ए का कितना था, ए का हमारा 30 था, और बी का कितना है, बी का 45, एंड सी का कितना है 15। तो टोटल कितना आ गया, टोटल हमारा 90 हो जाएगा, और यही यूनिट जो 90 यूनिट है वो हमें दे रखा है 90,000 के, ठीक है, ये हम यूनिट भी मान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से यूनिटरी मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए 90 यूनिट हमें इक्वलेंट दे रखा है 90,000, देन 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी का भाग कितना है, तो सी का कितना है 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना था, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो ये हमारा 15 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, दिस इज नाउ आवर आंसर। आई नो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि इसका आंसर हमारा आया है, सी का पार्ट कितना आया है, 15,000 रुपये। अगर पूछ लेता कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ए का यूनिट कितना है, 30 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो 30,000 आ जाता है, और बी का पूछ लेता, बी का यूनिट कितना है, 45 है, और 45 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000 रुपये। तो तीनों का ऐड करेंगे तो 90,000 आ जाएगा हमारा। ओके चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा, तो अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी ने कितना धन लगाया ये हमें फाइंड करना है। ओके सो गाइस नाउ दिस इज ए एंड बी, और ए ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ए ने 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ओके और बी ने यहाँ पे तो बताया नहीं है, क्योंकि बी का क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने कितना धन लगाया, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यही हमें निकालना है। तो बस हम लोग इसको मान लेते हैं कि बी ने एक्स रुपये इन्वेस्ट किया। अब स्टेटमेंट फिर पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 36,000 रुपये लगाया 8 माह के लिए, तो देखिए ए का पैसा कितना है, वो 8 माह तक लगा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। और फिर स्टेटमेंट देखिए कह रहा है कि बी को लाभ का, मतलब कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिलता है, 15:31, 15/31। तो देखिए गाइस यहाँ से ये क्या है, बी को कितना मिला है, 15/31। अब देखिए टोटल, अब देखिए यहाँ पे हमें ए का भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखिए ये 31 है टोटल ना, और 15 मिला है, तो ये हमारा हो जाएगा 16/31, क्योंकि टोटल 31 है और इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं 16 और 15, तो वो कितना आ जाएगा 31, और टोटल भी 31 है, तो जो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 16/31 होगा, और ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है 6 माह के लिए, तो ये मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई बाई और इसका मल्टीप्लाई बाई, है ना। अब हम लोग फिर इसको आगे देखते हैं, तो देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये हमने एक्स माना है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वलेंट टू, अब देखिए ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, तो ये हमारा 16:31 मल्टीप्लाई बाई 31, अब ये देखिए डिवाइडेशन में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा 15। तो गाइस देखिए 31 से ये 31 हमारा कट जाएगा, है ना। एंड देन आगे वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, एंड गाइस यहाँ से देखिए ये हमारा ये 2 टाइम कट जाएगा, 8 दूनी 16, और फिर ये देखिए 2 हमारा यहाँ से वैल्यू कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, और फिर देखिए ये 6 यहाँ से काट देगा, ये कितना आ जाएगा 3,000। ओके अब देखिए वैल्यू सब कट गई, अब 15 बचा और 3,000 बचा और एक्स, तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो बस 15 3 45, तो ये हमारा 45,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ओके चीज़ें समझ में आई होंगी, सो माय डियर फ्रेंड्स हमारा फाइनली आंसर आ गया 45,000 रुपये। अब बस आपको चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अभी कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि आई नो कि होती कन्फ्यूज़न, क्योंकि एग्जामिनर्स ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है। अब देखिए ये 15/31 का मतलब क्या हुआ, टोटल में इतना, मतलब अगर 31 रुपये प्रॉफिट है तो बी को कितना मिला है 15, है ना, तो 15 मिला है, तो ए को कितना मिला होगा 16/31, है ना, 31 अगर हम लोग प्रॉफिट मान लें, तब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 31 क्या है टोटल प्रॉफिट, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात, अब ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:7:8, इनका धन क्रमशः 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है हमें ये बताना है। सो देखिए गाइस ये मिस्टर ए बी एंड सी ये मानते हैं इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है कि इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है, और ए का इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए रहा, 14 महीने के लिए रहा 14, एंड देन बी का 18 मंथ, एंड सी का कितना है 7 मंथ, और इन्हीं का हमें दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है हमें कितना 5:7:8 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे चीज़ों को और समझना पड़ेगा, लेकिन सो गाइस
यहाँ से हम लोग पहले ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये ए हमारा, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 14A एंड डिवाइड बाई ये हमारा हो जाएगा 8B, और इनका रेशियो कितना दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7, तो ये हमारा 5:7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, ये 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 98A आ जाएगा इक्वलेंट टू, और ये 8×5=40B आ जाएगा, है ना। ये हमने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। एंड देन अब यहाँ से हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए डिवाइड बाई बी करेंगे तो देखिए ये हमारा 40 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 98। अब देखिए इसको भी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20:49। तो मतलब ए और बी का रेशियो हमारे पास आ गया है 20:49, ये ए बी का रेशियो आ गया। अब दूसरा वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं, है ना, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 8B/7C इक्वलेंट टू, कितना रेशियो दे रखा है, 7:8। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। सो गाइस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारा 8×8=64B हो जाएगा और ये 49C, है ना, 7×7=49। अब देखिए यहाँ से बी इस टू सी का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 49:64, और ये वैल्यू हम लोग कट नहीं करेंगे। अब हमारे पास रेशियो ए और बी और बी और सी का रेशियो हमारे पास आ गया है। एंड नाउ हमें टोटल निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है, इनकी पूंजियों का अनुपात निकालना है। सो गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो नाउ हमें वैल्यू निकालनी है a:b:c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम पहले ए बी ले लेते हैं। तो देखिए ए बी का रेशियो हमने कितना निकाला है, ए बी का रेशियो हमने निकालना है 20×49 इस टू। फिर हम लोग बी सी ले लेते हैं तो ये 49×49 हो जाएगा इस टू। फिर बी सी ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49:64। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 49 49 49 कट जाएगा, हाँ एक टाइम कटेगा। अब देखिए वैल्यू, ये देखिए ये हमारा ये 49 कट जाएगा, 1 49 ये 49 बच जाएगा, और ये यहाँ पे भी 1 49 था ये भी कट जाएगा। तो अब गाइस जो वैल्यू बची वो नोट कर ले। तो देखिए 20 49 और 64 हमारे पास बचा, तो बस 20:49:64। सो दिस इज नाउ आवर आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी तथा सी ने एक कार्य 16,500 रुपये में समाप्त करने का क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 1/7 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने इस धन में सी का भाग कितना है। ओके मतलब क्या है, जो ये इन्वेस्टमेंट है 16,500 का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट ठेका लिया था उस पे इन्हें सी का पार्ट पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है a+b+c का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितना कितने रुपये में लिए, 16,500 रुपये में लिया। अब जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर कितना कार्य किया, 7/11 भाग किया, तो मतलब ए प्लस बी का काम इन्होंने किया है 7/11। अब गाइस यहाँ पे भी कन्फ्यूजन मत होगा कि ये 7/11 ये टोटल वर्क हो जाएगा, है ना, और जिसमें से ए बी ने 7 काम किया है, तो शेष कार्य हमें निकालना है, तो शेष कार्य सी करेगा। तो यहाँ से हम लोग रिमेनिंग कार्य निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए 7 एंड 11, इसको करेंगे हम लोग 1 1 से हम लोग, तो ये हमारा 11 -7:11 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4/11 हो जाएगा। तो जो सी का है रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 4/11 आ जाएगा। ओके
अब देखिए, अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है देखिए ए प्लस बी एंड सी कितना है 7:4, और इनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये 11 यूनिट हमें देखिए दे रखा है 6000 सॉरी 16500 के। तो देखिए 11 यूनिट हमें दे रखा है 16500 रुपये, तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा 1500। और हमसे पूछ रहा है कि सी का भाग कितना है, तो सी का कितना है 4 यूनिट है, 4 पार्ट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारा आ जाएगा 15 चौके 60, तो मतलब 6000 रुपये, दिस इज नाउ आवर आंसर। तो 6000 रुपये हमारा आंसर आ गया। आई नो कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी गाइज, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ों को समझिए। क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड टीचर्स इसीलिए बताता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाता हूँ। ओके गाइज, सो प्लीज़ गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और गाइज अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि RS अग्रवाल के मैपबुक का सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ सिखा रहे हैं प्लीज़, क्योंकि जब से मैंने अपने RS अग्रवाल बुक स्टार्ट किया है तो हमें आप लोगों से कोई परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके सिर्फ 1000 ही व्यूज़ मिल रहे हैं, वो भी 3 4 दिन में। इसीलिए थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड कि RS अग्रवाल बुक हम ना कराएं, अगर यही परफॉर्मेंस रहा तो मैं RS अग्रवाल बुक सॉल्व नहीं कराऊंगा। इसलिए गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ वीडियोस को देखिए, क्योंकि तब जब देखेंगे तभी हमें लगेगा कि मैं कितना मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। प्लीज़ चीज़ों को समझिए, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में सिखाता हूँ। सो ओके गाइज थैंक यू वंस अगेन, कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एंड प्लीज़ गाइज योर सपोर्ट इज़ अवर कॉन्फिडेंस, कीप इट माइंड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।